हेलो दोस्तों, आज का नाश्ता है गेहूं का आटा और आलू से हम बनाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी, तो आप लोग इस नाश्ता को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अभी रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हम एक बाउल ले लिए हैं और बाउल में डाल देते हैं 1 कप गेहूं का आटा और डालते हैं स्वाद के हिसाब से नमक और आधा चम्मच अजवाइन। तो नमक अजवाइन को अच्छी तरह आटा के साथ हम मिला लेते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक सख्त वाला आटा हम तैयार कर लेंगे, मतलब डो जैसा बना लेते हैं। तो देखिए हमारा डो तो तैयार हो चुका है। अभी क्या करते हैं, डो को रखते हैं साइड में। अभी इसके लिए एक स्टफिंग बनाएंगे। तो देखिए 2 उबला आलू को हम इस तरह ग्रेट करके रख लिए हैं। इसमें डालते हैं 1 बारीक काटा हुआ प्याज और कुछ हरा धनिया पत्ता, तो आलू में डाल दिए हैं। अभी मिलाएंगे स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़ा सा आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और देखिए 2 चुटकी जितना गरम मसाला और 1 चुटकी जितना हल्दी पाउडर। तो अभी हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेते हैं और ज़्यादा मसाला इसमें नहीं मिलाएंगे। इतने में ही हमारा स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार और चपट्टेदार बनेगा। तो देखिए स्टफिंग को हम अच्छी तरह मिला लिए हैं, तो इसको रखते हैं साइड में। तो चलिए अभी डो के तरफ चलते हैं। तो डो को थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं। अभी क्या करते हैं, अभी हम रोटी के लिए जैसा हम लोई तोड़ते हैं उसी तरह 4 लोई को तोड़ लेते हैं। तो देखिए मैं लोई को तोड़ लिया हूँ। अभी हम हाथों में इस तरह लोई को थोड़ा सा चिकना बना लेते हैं। तो सभी लोई को मैं इसी तरह चिकना बना रही हूँ। तो देखिए इसी तरह मैं सभी लोई को चिकना बना लिया हूँ। तो अभी इसको रखते हैं साइड में। तो देखिए 1 लोई को लिए हैं। अभी हम एक बड़ा वाला रोटी बेल लेते हैं, पतला वाला। तो इसी तरह देखिए थोड़ा सा ऊपर से हम सूखा आटा डाल देते हैं ताकि बेलने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसी तरह हम एक बड़ा वाला रोटी को बेल लेते हैं। तो 4 लोई हुआ है दोस्तों। तो 4 रोटी में पहले बेल रही हूँ। तो देखिए 4 रोटी को मैं बेल लिया हूँ, तो आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए मैं पतला पतला 4 रोटी को बेल लिया हूँ। तो देखिए इसको रखते हैं साइड में। अभी हम क्या करेंगे, 1 रोटी को ले लेते हैं। अभी इसमें हम स्टफिंग भर लेते हैं पूरे रोटी में। तो देखिए मैं रोटी को इस तरह रख लिया हूँ। अभी जो हम स्टफिंग बना कर रखे थे उसको लेंगे और पूरे रोटी में अच्छी तरह इस तरह चम्मच के सहायता से देखिए मैं फैला ले रही हूँ, पूरे रोटी में फैला लूँगी। तो देखिए इस तरह मैं फैला लिया हूँ। तो अभी क्या करेंगे, और 1 रोटी को लेंगे और उसके ऊपर मैं इस तरह रख लेते हैं। फिर से हम उसी स्टफिंग को लेंगे और इसके ऊपर में फिर से हम स्टफिंग लगाएंगे। तो इसी तरह हम 3 बार स्टफिंग लगाएंगे दोस्तों 3 लेयर में। तो देखिए फिर से मैं और 1 रोटी को रख लिया हूँ। ये 3 नंबर रोटी है, तो इसके ऊपर में हम रख लेते हैं। तो 3 लेयर में हमारा स्टफिंग लग चुका है। लास्ट में हम इस रोटी को रख के अच्छी तरह साइड को कवर कर लेंगे, देखिए इस तरह दबा दबा के, ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना निकले। तो इसी तरह देखिए मैं अच्छी तरह दबा लिया हूँ। तो इसी में आज स्टीम करेंगे। तो देखिए इस छन्नी को ले लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा लिए हैं। अब रोटी को हम इसके ऊपर में रख लेते हैं। तो देखिए 1 बर्तन में पहले से पानी चढ़ा लिया था गैस में, पानी गर्म हो चुका है। तो उसके ऊपर में छन्नी को रख लेते हैं और इसको ढककर 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है, हमारा जो नाश्ता अच्छी तरह स्टीम हो गया है। तो अभी रखते हैं उसको ठंडा होने में और उसके लिए एक घोल बना लेते हैं। तो देखिए 1/2 कटोरी गेहूँ का आटा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बारीक काटा हुआ हरा धनिया पत्ता। अभी थोड़ा पानी डाल के हम एक घोल बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह मैं एक घोल को बना लिया हूँ। इस घोल से हम जब नाश्ता को फ्राई करेंगे ये बहुत ही क्रिस्पी वाला बनेगा। तो देखिए और हमारा जो स्टफिंग हम नाश्ता में लगाए हैं और तेल में नहीं निकलेगा। तो हमारा जो एक घोल तो बन गया है, देखिए इस तरह होना चाहिए। तो इसको रखते हैं साइड में और अभी चलते हैं नाश्ता की तरफ। देखिए ये हमारा नाश्ता अच्छी तरह ठंडा भी हो चुका है। तो अभी इसको छन्नी से निकाल लेते हैं। देखिए छन्नी में थोड़ा सा भी नहीं लगा है। अभी इसको रखते हैं और इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको मैं ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। तो इसी तरह हम ट्रायंगल शेप में देखिए कट लिए हैं। देखिए इसका लेयर कितना सुंदर दिख रहा है। तो सभी को अभी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं नाश्ता को।
देखिए इस तरह मैं सभी नाश्ता को प्लेट में निकाल लिया हूँ। तो जो घोल हम बना कर रखे थे उस घोल को लाएंगे और देखिए अभी क्या कहते हैं, जो नाश्ता को हम काट कर रखे थे उस नाश्ता को इस घोल में डिप करेंगे और इस तरह हम इसमें डिप करेंगे और उठाकर ऑयल में डाल देंगे। तो देखिए ऑयल में पहले से पैन में चढ़ा लिया था 2 चम्मच ऑयल, दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी एक एक करके हम इस तरह घोल में डालते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। तो ये नाश्ता फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये उबले हुए आलू पहले से था और इसको हम स्टीम भी कर लिए हैं, तो ये बहुत टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में। तो देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है हमारा नाश्ता में। तो देखिए इस तरह हम उलट पलट करके नाश्ता को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। आप लोग देख के पता कर सकते हैं ये नाश्ता कितना क्रिस्पीदार बना है और खाने में बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। तो रोज़ रोज़ रोटी सब्जी खा खा के बोर हो गए तो इस तरह नाश्ता सुबह सुबह बनाइए खाइए। ये भी गेहूं का आटा का नाश्ता है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और सभी को बहुत पसंद आएगा दोस्तों। तो देखिए इस तरह मैं नाश्ता को एक प्लेट में निकाल रही हूँ, तो दूसरी बार भी हम इसी तरह नाश्ता को फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग को ये रेसिपी कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए इस नाश्ता को भी हम उलट पलट करके इस तरह क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिए हैं, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा नाश्ता कितना सुंदर दिख रहा है, दिखने में जितना सुंदर है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो मैं आप लोग को एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए। तो चलिए दोस्तों आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।